आपका सोशल मीडिया पे जो नाम है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस नाम के पीछे की कहानी क्या है और कैसे ये नाम पड़ा। उस टाइम इतनी पागल हो गई थी वीडियो क्रिएट करने के लिए कि मैंने घर में जिद मचा दी थी कि मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे आईफोन के बिना वीडियो मेरी नहीं बनेगी। लोगों को लगता था जैसे वो उसमें से कोई वीडियो वायरल चल जाती तो लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, चोरी कर रहा है, चोरी करी है ये वीडियो, तो कॉपी किया तुमने। तो अब एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का कैसे काम करता है, मतलब अब जो एक कंटेंट ये था कि हमारे जो फ्रेंड्स बाहर जाते हैं पढ़ने और वो वापस आके अपने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि जैसे किसी का नाम परम है तो वो अपने आपको ऐसे बोलेगा आई एम प्रैम, और 70,000 लोगों ने मुझे एक वीडियो से फॉलो किया। ऐसी वीडियो हमें बनानी इंडिया में इतना नहीं है उसका मार्केट, नहीं इंडिया में, पर एक जगह है वो राम श्री राम वृंदावन लिख देते हैं वहाँ तो अभी भी चल रहा है। देखो जॉब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऑफिस में जाके बैठ के जॉब करूं फिर वापस आऊं, मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन इज मोर। हमें कमेंट कर रहे हो ज्वाइन किया तो पूरा टाइम इसके पीछे तो वो चलना चाहिए था, वो मेरी महबूब अटिश करके टाना नाना टिकटॉक का स्लो मोशन एंकी निकाल के, और उसको करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस इतना स्केलेबल नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है ये। एक्चुअली वैसे तो मैंने कभी ऐसे लाइव या फिर किसी को अपने फ्रेंड्स तक कोई बात चीजें नहीं शेयर करी है, बट हमारा भाई पैदा हुआ था तो उस टाइम पे उसके मतलब मम्मी की डिलीवरी के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो पापा कहीं से उधार लेकर आए थे। आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप मैं ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लूंगी लेकिन बहुत लोग ऐसे जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते, जो आपको जानबूझ के नीचा दिखाते हैं कि भाई तेरे कम फॉलोअर्स है तो तू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल, और आज स्पेशल इंटरव्यू में मेरे साथ मौजूद हैं काफी फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दैट क्यूटेस्ट थिंग के नाम से आप इनको जरूर जानते होंगे, मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली मेघा सुखीजा। जी हाँ मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जिस तरह से मैं आपको पहले भी ये बोल रहा था कि जो आपका सोशल मीडिया पे जो नाम है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस नाम के पीछे की कहानी क्या है और कैसे ये नाम पड़ा। पहले तो ये नाम मेरे को ऐसा लगता है अभी थोड़ा क्लीशे हो गया है खुद को क्यूटेस्ट थिंग बोलना, बट मैंने अपनी प्रोफाइल 2015 में बनाई थी और मैंने एक फ्रेंड था उससे पूछा था कि क्या यूजर नेम मैं डालूं, और उस टाइम इतनी क्रिंज यूजर नेम्स होते थे, सॉलिटेयर गर्ल ये वो, तो उसने मुझे सजेस्ट करा कि दैट क्यूटेस्ट थिंग रख दे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है रख देते हैं, और उस टाइम मैंने रख दिया और तब से मैंने चेंज ही नहीं किया। बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कोई वो नहीं कि इसके पीछे कोई साइंस है, ये कुछ स्टोरी है ऐसा कुछ, मतलब जो उस टाइम आपको सजेस्ट किया आपने रख दिया। हाँ, जो उसने सजेस्ट किया मैंने रख दिया, और मैंने सोचा भी था कि मैं चेंज कर लूँ, लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से मेरे को एक अवार्ड रिसीव हुआ था और उस पे दैट क्यूटेस्ट थिंग ही लिखा था, मैंने कहा अब तो चेंज नहीं कर सकते, बाद में कैसे बताऊंगी मेरा ये अवार्ड है। नहीं बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ यही नाम शायद आपको पहचान भी अब दिला रहा है, काफी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, उसी नाम से आपको ज्यादा जानते हैं आजकल। एक्चुअली यस, बिल्कुल। जिस तरह से आपकी जर्नी रही है, पहले मैं बात करना चाहूंगा, अभी आपके इतने लाखों में फॉलोअर्स हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा, जब आप डब स्मैश की वीडियोस बनाते थे, जब आप म्यूजिकली पे वीडियोस बनाते थे, उस तब से लेके अब तक की जर्नी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, क्योंकि लोग सोचते सब है कि हम सोशल मीडिया पे वायरल हो, हमारी भी वीडियो ट्रेंड करे, हम भी लोग हमें भी जाने, हमें पहचाने, हमारे साथ फोटो क्लिक करें, तो हालांकि वो सालों की मेहनत होती है, लोगों को एक जल्दी शॉर्टकट में ये सब चाहिए होता है, फेम और सक्सेस, लेकिन हाँ आपसे मैं जानना चाहता हूँ आपकी खुद की जर्नी कैसे है, क्योंकि उससे काफी लोग इंस्पायर भी होंगे। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, बट मैंने वीडियो बनाना डब स्मैश से स्टार्ट किया था, जब एक डब स्मैश आप होती थी और उस टाइम वही वायरल थी, तो उस पर एक आलिया भट्ट का डायलॉग था, मैंने उस पर कुछ तो मैंने वीडियो क्रिएट किया था, और उसके बाद फिर म्यूजिकली बहुत ज्यादा फेमस हो गया था, तो म्यूजिकली पे मैंने कंटेंट क्रिएट करना शुरू करा। कंटेंट क्यों बोल रही हूँ मैं, अब कंटेंट है लेकिन पहले मैंने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया, उसके बाद मैं वीडियोस पे नॉर्मली बनाती थी, फिर एक फुकरे का डायलॉग था तो वो ऋचा चड्ढा का डायलॉग था, वो मैंने वीडियो उस पर बनाया, जैसे मैं नॉर्मली वीडियोस डालती थी, तो वो वीडियो मैं वीडियो पोस्ट करके बंद कर देती थी और अगले दिन खोलती थी एक नई वीडियो डालने के लिए, तो जब अगले दिन मैंने खोला तो उस पर 111 लाइक्स थे, तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि वीडियो यार थोड़ी बहुत तो वायरल चली गई है। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा वीडियो वायरल जाने का भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों की वीडियो वायरल जाती है, तो फिर मैंने वहाँ से कॉन्टेंट डालना शुरू करा, उस पर वीडियोस क्रिएट करनी शुरू करी, और फिर धीरे धीरे कुछ कुछ वीडियो वायरल चली जाती थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है वीडियो वायरल जा रही है, और उस टाइम पे मुझे ये नहीं था कि इससे कुछ अर्न भी कर सकते हो तुम या फिर कुछ भी। अच्छा। मेरे को था बस वीडियोस क्रिएट करने, और मैं उस टाइम इतनी पागल हो गई थी वीडियो क्रिएट करने के लिए कि मैंने घर में जिद मचा दी थी कि मुझे आईफोन ही चाहिए, मुझे आईफोन के बिना वीडियो मेरी नहीं बनेगी, तो मेरे भाई के पास आईफोन हुआ करता था तो मैं उससे आईफोन लेके स्लो मोशन वीडियोस बनाती थी, वो भी मुझे बड़ी कम कम 5-5-10 मिनट के लिए मिलता था, तो मैं उससे वीडियो बनाती थी, बट धीरे धीरे थोड़ा बहुत मैंने टिकटॉक पे ग्रो करना शुरू किया, जब उसका नाम टिकटॉक चेंज हो गया म्यूजिकली का, और जब टिकटॉक बैन हुआ था तब मेरे 60,000 फॉलोअर्स थे,
तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, बट फिर मैं इतना ज्यादा उस पर ग्रो नहीं कर रही थी तो मैं खुश थी, अच्छा है बैन हो गया। अच्छा। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स आया तो यहाँ पे कंटेंट बनाना शुरू, मतलब कंटेंट तो मैं एक्चुअली इंस्टाग्राम पे बना ही रही थी रील से पहले भी, बट फिर रील्स आए और रील्स पे मैंने वीडियो डालना शुरू किया। और उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, जब नया नया आया था, कि नीश भी कोई चीज होती है या फिर एल्गोरिदम कुछ होता है। तो मैं बस वीडियो डालती थी, किसी की वीडियो देखती थी, मुझे पसंद आती थी, मैं डाल देती थी, सेम बना देती थी। अच्छा। फिर लोगों को लगता था जैसे वो उसमें से कोई वीडियो वायरल चल जाती थी, तो लोगों ने कमेंट्स करना शुरू किया, चोरी कर रहा है, चोरी करी है ये वीडियो, तो कॉपी किया तुमने। फिर मेरे को लगा कि अच्छा कॉपी किया। फिर मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि जब तुम ऐसे किसी का वीडियो से इंस्पायर होते हो तो क्रेडिट्स दे दिया करो। तो फिर मैंने क्रेडिट्स देना शुरू किया। फिर मुझे धीरे धीरे पता लगा कि खुद का कंटेंट भी कोई चीज होती है, तुम खुद जिसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, कुछ क्रिएट करते हो, कुछ आइडिएशन होता है उसके पीछे। तो फिर मैंने खुद के आइडियाज पे वीडियो बनाना शुरू किया। और एक वीडियो थी जो मेरी बहुत वायरल गई थी, एक जुगनी करके सॉन्ग था उस पर, और उस वीडियो पे एक दिन में 1 मिलियन व्यूज आए थे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और बींग अ न्यू क्रिएटर, तो तुम्हारी वीडियो वायरल हो सकती है, बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स बिहाइंड इट, कि वो वीडियो कितना शेयरेबल है, कितने लोग उसको अपनी स्टोरी पे शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं, कितने लोग उसको सेव कर रहे हैं, तो उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और तब से फिर कंटेंट क्रिएशन तो चल ही रहा है मेरा। ओके। बिल्कुल, जो आपने जर्नी बताई काफी इंटरेस्टिंग थी। और बीच में भी एल्गोरिदम की आपने बात की, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। हाल फिलहाल मैंने एक वीडियो डाली थी जब दिल्ली एंड शहर में पोल्यूशन और वो उस टाइम का सीन था, तो एक गाना था धुंधला करके, तो उस पर मेरी रील गई थी 1.5-2 मिलियन के आसपास। तो वो मैंने रिलेटेबल डाला था कि ये सॉन्ग अब रिलेटेबल है जो वो ट्रेंड था, तो अब उस मेरी एक रील वो चली गई, फिर उसके बाद एक और रील गई 100K गई, तो धीरे धीरे करके मतलब ऊपर नीचे स्टैट्स आ रहे थे। तो अब एल्गोरिदम इंस्टाग्राम का कैसे काम करता है, मतलब अब जो एक न्यू एक क्रिएटर है जिसको कुछ अपना नया जीरो से स्टार्ट करना है, वो क्या करे, मतलब कैसे किस जॉनराज में ज्यादा वीडियो बनाए, कैसा कॉन्टेंट लेके आए अब, क्योंकि शॉर्ट जो कॉन्टेंट है उसका ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहा है वो चीज। तो देखो, नीश तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आप इस नीश में परफेक्ट हो। अगर आपको लगता है आप फैशन बहुत अच्छा करते हो, आप मेकअप वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हो, तो आप उस नीश में स्टार्ट कर सकते हो। और जो आपकी तरह सब कर लेता है वो तो ओवरऑल लाइफस्टाइल कैटेगरी में आ जाएगा या फिर रिलेटेबल कैटेगरी में आ जाएगा, तो आप उसमें वीडियोस बना सकते हो। बट दो चीजें जो फैक्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैटर करते हैं, एक तो क्वालिटी कंटेंट और दूसरा कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी से वीडियो डालते रहोगे, रोज एक वीडियो डालोगे या फिर 2 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, तो इंस्टाग्राम पुश करता है आपकी वीडियोस। अच्छा। और दूसरा फैक्टर क्वालिटी वीडियोस, ये नहीं कि कुछ भी उठा के डाल दिया। अब जैसे आपने जो वीडियो डाली उसमें क्वालिटी भी होगी और वो रिलेटेबल भी था, वो शेयरेबल भी था, तो इसलिए लोगों ने वो शेयर किया आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो क्वालिटी कॉन्टेंट हो गया। और आप कंसिस्टेंसी से डालोगे तो फिर और शेयर होगी आपकी वीडियोस और वायरल हो जाओगे। अच्छा, मतलब तो ये है इनका वायरल होने वाला मंत्र जो इन्होंने हमें दे दिया। तो आप भी जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये एक मतलब बेसिक टिप्स हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर है, जो भी एक नया बंदा शुरू करना चाहता है। और हाँ, क्वालिटी मैटर्स, क्योंकि आज की डेट में लोग क्वालिटी कंटेंट ज्यादा देखना चाहते हैं। और अब ये मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वाला आ गया 30 सेकंड, मतलब 1 मिनट से नीचे, और इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड वाला ज्यादा वायरल हो रहा है, तो अब आपको लग रहा है कि जो लेंथी वीडियोस होती थी उनका धीरे धीरे खत्म हो रहा है उनका एक्सपोजर? एक्चुअली मतलब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, खत्म भी हो रहा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग वीडियोस भी डालते हो तो उसमें भी एक ट्रिक होती है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग वीडियो है, आपने उसमें से एक फनी सीन निकाल के उसका रील बना दिया, अब लोग रील तो देख रहे हैं, अब लोगों को थोड़ा वो रहेगा कि यार इस पूरी वीडियो में क्या था, तो वो जाके फिर आपके यूट्यूब पे वो फुल लेंथ वीडियो भी देखेंगे। डेफिनेटली वो थोड़ा कट शॉर्ट हो गया है, लोग रील्स पे ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, शॉर्ट्स पे ज्यादा शिफ्ट हो गए हैं, और लॉन्ग वाली वीडियोस लोग कम देखना शुरू प्रेफर करते हैं। बट अगर आप एक बार अपना नाम बना लेते हो ना, और लोग आपको देखना पसंद करते हैं कि आप कुछ भी डालो हम देखेंगे, तो फिर लोग आपका फुल लेंथ वीडियो भी देखेंगे। आपकी एक रील थी, मैं पढ़ता था कि उसमें एक रील से 70,000 फॉलोअर्स आपके आए थे इंस्टाग्राम पे, तो वो कौन सी रील थी, क्या कंटेंट था वो? उसमें कंटेंट ये था कि हमारे जो फ्रेंड्स बाहर जाते हैं पढ़ने, और वो वापस आके अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं कि जैसे किसी का नाम परम है, तो वो अपने आप को ऐसे बोलेगा आई एम प्राम, तो नाम लोग चेंज कर लेते हैं, एक्सेंट चेंज कर लेते हैं इतना ज्यादा। तो मुझे लगता है थोड़ा ऑथेंटिक रहने की जरूरत है लोगों को, लेकिन चलो वो लोग हैं, अपना जो नाम वाम चेंज कर लेते हैं, अपना एक्सेंट चेंज कर लेते हैं बाहर से आके, तो उस पे डाली थी। और ऐसा बहुत लोग करते हैं, तो इसलिए वो लोगों को रिलेटेबल लगा, और एक दिन में उसमें भी काफी व्यूज आ गए थे। बट अब आज के डेट में उस वीडियो पे 20 मिलियन व्यूज है और 70,000 लोगों ने मुझे एक वीडियो से फॉलो किया था। अरे वाह, ऐसी वीडियो हमें बनानी चाहिए। नहीं बिल्कुल, और रिलेटेबल भी था, मेन थिंग ये थी, तो ये मेरे को ये लगा। और एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि काफी इंडिया में तो ये थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ ट्रेंड, अब्रॉड में ज्यादा था,
फेस पेंटिंग का और जो हेलोवीन में और जो जितने भी कॉन्सर्ट्स होते हैं, जितने भी क्लब्स में जो स्पेशल पार्टी होती है, वहाँ पे फेस पे जो है अलग अलग जो आप टेक्सचर से अलग अलग टाइप के टैटूज या कुछ क्रिएटिविटी या फेस को लेके भी करते हैं। हालांकि इंडिया में पहले थोड़ा कम था, अब थोड़ा बढ़ गया धीरे धीरे। तो आपने काफी पहले इस चीज को शुरू कर दिया था, तो वो बंद कर दिया आपने अभी या अभी भी करते हो आप वो? मैं बताती हूँ, मैंने वो शुरू किया था 2021 में, जब मैंने अपने नए फेस पेंट लिए थे कोविड के आसपास। मैंने बाहर से नए फेस पेंट इम्पोर्ट कराए थे फेस पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि इंडिया में इतना नहीं मिलता, लोग रंगीला के कलर्स उठा के फेस पेंट करने लग जाता। तो मुझे थोड़ा अपना स्किन वो था कि कॉन्शियस थी मैं कि कुछ स्किन पे हो ना जाए, इसलिए मैंने बाहर से कलर्स मंगाए और मैं कलर से धीरे धीरे पेंट करना शुरू करा। और मैं बाहर के लोगों को देखती थी कि वो कितना अच्छा सा पेंट करता है, एंड आई विश यहाँ पे वो फोटो भी चल रही होती है, हम चला देंगे। तो वो मैं एक्चुअली मैं उस चीज से अपने बहुत इम्प्रेस हूँ कि मैं बहुत अच्छा फेस पेंट कर लेती थी और लोग भी बहुत इम्प्रेस होते थे उससे, बट उससे मुझे इतना ऑडियंस नहीं मिलता था, इसलिए मैंने अपना जॉनरे चेंज कर दिया फेस पेंट से टू कॉमेडी एंड रिलेटेबल वीडियोज। वरना मैं तो चाहती थी कि मैं उसमें आगे कंटिन्यू रखूं, लेकिन उसकी इतनी ऑडियंस नहीं है इंडिया में। और अभी वो थोड़ा ट्रेंड करने लगा है, आप किसी फेस्ट में जाओगे तो देखोगे लोग फेस पेंट के एक्चुअली पैसे देते हैं छोटे छोटे फेस पेंट कराने के। तो अब वो इंडिया में चल रहा है, लेकिन फॉरेन में हाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, इंडिया में इतना नहीं है अभी उसका मार्केट। नहीं इंडिया में पर एक जगह है वो श्री राम वृंदावन वहाँ तो अभी भी चल रहा है। देखो तो जी हाँ, तो मतलब एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि लोग ये भी आपकी पर्सनल लाइफ जो आपको फॉलो करते हैं और भी थोड़ा जानना चाहते हैं, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि एडुकेशन अपना करियर थोड़ा बताइए कि क्या कितनी पढ़ी लिखी है और क्या क्या आपने कर रखा है, या फिर बैकअप प्लान क्या था अगर इफ दिस तो अगर इफ नॉट फिर देन क्या? तो एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन मेरा बैकअप प्लान था, ये कभी मेरा प्राइमरी वो नहीं था। और मैंने अपना जो स्टडी है ऑब्वियसली 12th तो मेरी थी, उसके बाद मैंने कॉलेज किया है और मतलब मेरी बैचलर्स करी है मैंने आर्किटेक्चर में, क्योंकि मेरे डैड का रियल एस्टेट बिजनेस था, तो वो हमेशा चाहते थे कि मेरे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर कुछ तो बन जाए। तो मैंने कहा चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, मैंने आर्किटेक्चर करी। और उसके करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आर्किटेक्चर इज नॉट लाइक अ फन फॉर मी, मैं पूरा टाइम कंप्यूटर पर बैठ के या लैपटॉप बैठ के नहीं कुछ कुछ काम कर सकती, और फिर जॉब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऑफिस में जाके बैठ के जॉब करूँ फिर वापस आऊँ। मुझे ऐसा लगता है कंटेंट क्रिएशन इज मोर फन, मतलब आपको ये फन लगता होगा ना, मेरे को वो फन नहीं लगता था, मुझे फन कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा लगता था। और मैंने ऑफिस ज्वाइन भी किया था, इसलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया, मैंने ज्वाइन किया था बट मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, तो फिर मैंने वो छोड़ के अपना कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम किया और अभी भी मेरा कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम है। आपका एक डायलॉग है कि मुझे लैपटॉप की स्क्रीन की स्क्रीन के आगे नहीं काम करना था, मुझे फोन की छोटी चेंज की स्क्रीन के आगे काम करना था। तो हाउ डू यू टेक दिस ऑन यू? मतलब यही कि मैंने जब ऑफिस ज्वाइन किया तो पूरा टाइम इसके पीछे तो वो चलना चाहिए था, वो मेरी महबूबा टिश करके टैलेंट आना है वैसा वाला, ये तो वन लाइनर था वो टिकटॉक का स्लो मोशन हैंकी निकाल के। तो मैंने वही ऑफिस ज्वाइन किया और मैं मेरे सर दर्द होने लग जाता था, मैं घर जाती थी मैं इतना थक जाती थी एक तो काम करके, और मेरे को सर दर्द होने लगा, मेरे को लग रहा है मेरी आंखें वीक हो रही है। उस टाइम पे मुझे सब लगता था मेरी तबीयत खराब हो रही है मेरी आंखें वीक हो रही है, फिर लेकिन जैसे फोन की स्क्रीन आती थी तो सब ठीक हो जाता था। नहीं तो ये मैं अपनी इंस्टाग्राम फोटो की कैप्शन के नीचे लिखूंगा ये वाला, ये गाइस ये कोट बन चुका है अब। यस यू कैन यूज इट गाइस। ओके अगला मेरा सवाल है, आपने एक जनवरी में एक स्टार्टअप शुरू किया था एपिसोड, यस, तो वो उसमें भी काफी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े, मतलब ड्यूरिंग रेनफॉल उसमें अंदर आपका देख रहा था मैं वीडियो, उसमें पानी वानी जो है भर गया था जिसकी वजह से आपको थोड़ी देर बंद करना पड़ा, उसको नुकसान भी काफी हुआ। फिर वहां से आपने अपना एक दोबारा से राइज हुआ, आपने 500 से ज्यादा कस्टमर्स को सेल किया, तो वो थोड़ा जर्नी बताइए कि स्टार्टअप, क्योंकि अब आज की डेट में स्टार्टअप सबसे ज्यादा जो है लोग करना चाह रहे हैं और खुद के दम पे जैसे आपने बताया इंडिपेंडेंटली अपने करियर को आगे फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आपका स्टार्टअप जर्नी किस तरह था, वो कैसे सोचा कि मेरे को ये करना चाहिए? तो एक्चुअली मैंने 2021 में एक थ्रिफ्ट बिजनेस स्टार्ट किया था जिसमें हम थ्रिफ्ट के क्लोथ्स लेते थे और आगे उनको सेल करते थे। तो मैंने इंस्टाग्राम पे ये 2 साल किया और उसको करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस इतना स्केलेबल नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है ये इसलिए आई एम आउट फ्रॉम दैट बिजनेस। और फिर मैंने अपना सोचा कि खुद का कुछ स्टार्ट करता है, क्योंकि अगर ब्रांड न्यू क्लोथिंग रहता है तो लोगों को खरीदने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। थ्रिफ्ट को देख के कभी कभी लोग मुंह बना लेते हैं कि ये तो किसी के पहने हुए कपड़े हैं शायद, ऐसा भी लोग सोचते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा खुद का कुछ स्टार्ट करते हैं। तो क्लोथिंग तो हमेशा से मेरा था कि क्लोथिंग में ही करना है, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में लोग दो चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, खाना और क्लोथिंग।
तो मैंने सोचा क्लोदिंग में करते हैं कुछ. और मैंने 2023 में जनवरी में, नॉट एग्जैक्टली जनवरी बट अप्रैल में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. जनवरी से मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, अप्रैल में मेरा बिजनेस लॉन्च हुआ था. और इस अप्रैल में मेरे को एक साल हो गया वो बिजनेस करते करते. और मेरे को ऐसे लगता है हर सीजन हम ग्रो करते हैं, क्योंकि एपिसोड है तो एपिसोड के फिर सीजन तो होंगे ही. तो हमने फर्स्ट सीजन में समर लॉन्च किया था, और उस टाइम पे हमने बहुत नया नया शौक था तो स्टूडियो वगैरह लिया, सब कुछ लिया. बट वो स्टूडियो में मानसून के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था, तो हमारे सारे कपड़े, एक बार कपड़ा गीला हो जाता तो वो ख़राब हो जाता है, और हमें पता नहीं चला कि कपड़ों के अंदर कुछ कुछ खराबी भी होने शुरू हो गए थे. वो कपड़े पैक थे और गीले थे, वो सूखे नहीं, तो वो ख़राब होना शुरू हो गए कपड़े. तो लॉस तो हुआ उसमें भी, बट उसके बाद वी केम बैक स्ट्रॉन्गर और हमने विंटर लॉन्च किया बहुत ही अच्छा, और हमने बहुत जगह एग्जीबिशन भी किए उसके, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए. फिर हमने अभी इस समर में और प्रीमियम क्लोथिंग लॉन्च करी है, जो कि हम अभी सेलिब्रिटीज को भी भिजवाते हैं और सेलिब्रिटीज भी पहन रहे हैं हमारे कपड़े. जैसे कि स्प्लिट्सविला अभी जो चल रहा है, उनका जो होस्ट है रणवीर जी की जगह जो आए हैं तनुज, उन्होंने अभी हमारे कपड़ों की काफ़ी तारीफ करी है पहन के. और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी हमने कपड़े भेजे हैं और दे आर एक्चुअली लविंग इट. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कभी भी तुम कुछ कस्टमर को दे रहे हो तो क्वालिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन प्रोवाइड टू योर कस्टमर. क्योंकि डिज़ाइन तो कोई भी कॉपी कर लेगा, बट क्वालिटी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा तुम्हारी. तो इसलिए दैट इज आई लव एक्चुअली अबाउट माई बिजनेस. और मेरा बिजनेस मेरा बेबी है तो वो तो चलता ही रहेगा. नहीं बिल्कुल, ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए भी, इस तरह से आप और भी अपने और भी वेंचर्स ऐसे ऐसे ग्रो करें. तो अभी अभी कुछ समर्स अभी आ चुके हैं, तो और भी कुछ आप प्लान कर रहे हो कि अभी न्यू कलेक्शन है कुछ? हाँ, अभी एक्चुअली हमने स्ट्रीट वेयर क्लोदिंग में यूनिसेक्स कपड़े लॉन्च किए हैं, जेंडरलेस क्लोदिंग. बट मैं चाहती हूँ कि फ्यूचर में हम एक स्पेसिफिक गर्ल्स के लिए कुछ अलग लॉन्च करें, बॉयज के लिए कुछ अलग लॉन्च करें. जैसे टॉप्स हो गए, क्रॉप टॉप्स, वो लड़के नहीं पहन पाएंगे ना. वही बोलने वाला था. लड़कों के लिए हम टी शर्ट्स वगैरह लॉन्च करने का प्लान करें. और फिर कार्गोज तो डेफिनेटली इट्स कमिंग वेरी वेरी सून, स्टे ट्यून्ड. बिल्कुल, तो ये तो आपने अपनी जर्नी तो बता दी, लेकिन माता पिता की जर्नी आपकी लाइफ में कैसा उनका सपोर्ट रहा? क्योंकि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के हम कुछ नहीं कर सकते, और हम आज जहाँ भी बैठे हैं उनके सपोर्ट से बैठे हैं. मेरे फादर खुद रियल इस्टेट में है, जैसे कि आपने बताया उनका खुद का बिजनेस. सोच रहे थे कि बिजनेस ये भी करे आगे, बट एक डिफरेंट पाथ मैंने चुना, क्योंकि सबको होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बन जाए, अपना सेटल हो जाए. बट हाँ, उनका क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि शुरू में आपके जो पेरेंट्स थे इतना फाइनेंशियली उतना घर से आप स्ट्रांग नहीं थे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की अपनी लाइफ में, और जॉब्स जो है वो करते थे, तो वो एक जर्नी आप शेयर करना चाहेंगे? तो एक्चुअली वैसे तो मैंने कभी ऐसे लाइव या फिर किसी को अपने फ्रेंड्स तक कोई बात चीज़ें नहीं शेयर करी है. बट हमारे मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेरी रिच फैमिली. यस, एक्सक्लूसिव. आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच और अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. हम लोग लोअर क्लास फैमिली हुआ करते थे, और मेरे पेरेंट्स का खुद का कोई घर या फिर प्रॉपर्टी बिजनेस वगैरह कुछ नहीं था. और हम लोग ऐसे ही 1 BHK में रहते थे रेंट के उसमें. और जब हम लोग मतलब मेरे डैड उस टाइम पे डायरी लिखते थे बचपन में, जब हम छोटे छोटे थे या जब हम नहीं भी होते, आई गेस उस टाइम से डैड डायरी लिखते थे. तो वो उसमें लिखते थे कि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने. और उसमें एक एक चीज़ लिखी हुई थी कि जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो उस टाइम पे उसके मतलब मम्मी की डिलीवरी के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, तो पापा कहीं से उधार लेकर आए थे और तब डिलीवरी हुई थी उसकी. तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ वेरी दैट थिंग, वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी. जो मैं पढ़ती हूँ डायरी में तो मुझे बहुत फील होता है. और उसके बाद से फिर मेरे को लगता है मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया लाइफ में, फ्रॉम नॉट ओनिंग अ हाउस टू एक्चुअली हैविंग अ 3 BHK इन अ वेरी गुड लोकेलिटी ऑफ डेली. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली. और मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स ही हैं. जब पूछता ना कौन है इंस्पिरेशन, क्या करते हो, तो मेरे को ऐसा लगता है जब मेरे पेरेंट्स बिना इतना एजुकेशन के इतना कुछ कर सकते हैं, तो अब हमें तो पढ़ लिख के तो कुछ तो करना ही पड़ेगा. और मेरे जो पापा की डायरी में लिखा था कि डॉक्टर इंजीनियर बने, तो मैं आर्किटेक्ट हूँ और मेरा भाई एडवोकेट है. तो हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि एक्चुअली डैड भी प्राउड हैं हम लोगों के ऊपर और हम खुद भी प्राउड हैं अपने ऊपर. नहीं, वो बिल्कुल, और काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी थी. और ऐसा सपोर्ट मतलब एक स्टोरी भी चाहिए होती इंसान को कि, तो वो आपको एक अपने फादर के रोल में एक रोल मॉडल मिल गया था तो जो आपको सपोर्ट कर रहा था. तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अब तो अच्छे खासे पैसे आते होंगे और कोलैबोरेशन हैं अब तो हाउ यू आर हेल्पिंग देम? अब क्या करते हैं, कैसा फील होता है जब ले पापा ये लोग क्रेडिट कार्ड जाओ, ऐसा कैसा फील होता है? टच वुड, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड इन दिस थिंग कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझसे पैसे नहीं मांगे किसी भी चीज़ के लिए. वो मुझसे कभी भी नहीं बोलते कि बेटा ये बिल भर दो या फिर ये कर दो वो कर दो. इवन दो आई एम अर्निंग गुड, बट मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझसे एक पैसे नहीं मांगे. और इन रिटर्न मैं उनको फिर गिफ्ट देती रहती हूँ. और मैंने उनकी 25th एनिवर्सरी पर उनको रिंग्स ला के दी थी,
तो वो भी सरप्राइज था उनको वहीं वेन्यू पे जाके पता चला था कि रिंग्स लाके दिए उन्होंने. फिर मैं मम्मी पापा को कभी शॉपिंग पे ले जाती हूँ और बोलती हूँ कि जो खरीदना खरीदो पैसे मैं दूंगी, और फिर मैं उनको प्राइस टैग भी नहीं देखने देती, मैं उनको बोलती जो खरीदना आप खरीदो. अब मैं ऐसे छोटे मोटे डेट्स पे ले जाती हूँ उनको जहाँ पे मैं खर्च करती हूँ और फिर वो एंजॉय करते हैं. मतलब दोस्तों ये एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और अगर ये कर सकते हैं इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई तो आप भी जरूर कर सकते हैं. तो हमेशा ये मत सोचना कि हम नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है, बस आपको एक कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और अपनी जर्नी को एंजॉय भी करना पड़ेगा. मेहनत तो करो करो, मैनिफेस्ट भी जरूर करो साथ ही साथ. अगला मेरा सवाल, आप पैसे वैसे की बात हो ही रही है तो कितने अर्निंग का क्या सोर्स है, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहाँ कहाँ से कमा सकता है? अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप आगे आप ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हो. okay. ब्रांड्स आपको प्रमोशन करने के लिए पैसे देते हैं. आप रील्स बना सकते हो उनके लिए, स्टोरीज बना सकते हो, पोस्ट क्रिएट कर सकते हो. और अगर आप यूट्यूब पे हो तो यूट्यूब तो आपको पैसा देता ही है. तो मैं तो दोनों चीजों पे हूँ. और इसके अलावा और कहीं से? इसके अलावा मेरा पर्सनल सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं वो भी फिर लोग देखेंगे ना. हाँ, तो मेरे तो बहुत सारे इनकम सोर्स है. बिग लाइफ. तो एक तो मैं इंस्टाग्राम से अर्न करती हूँ थ्रू ब्रांड प्रमोशंस, यूट्यूब से अर्न करती हूँ, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बट छोटे. यूट्यूब पे आप क्या कंटेंट डालते हो? लाइफस्टाइल रिलेटेड. अच्छा. वो उसमें पूरा गर्ली कंटेंट है. अच्छा. कि मार्केट्स एक्सप्लोर करती हूँ मैं, वो लड़कियाँ देखना पसंद करती हैं बहुत ज्यादा. तो ऐसे ऑनलाइन बिजनेस कुछ करते हो? नहीं नहीं. अच्छा. यूट्यूब पे नहीं, वैसे अपना खुद का कुछ और उसके बाद मैं एक जगह जॉब भी करती हूँ इन अ ज्वेलरी ब्रांड. तो एक्चुअली वहाँ पे मेरा जॉब इज लाइक अ फ्रीलांसिंग, तो मैं हफ्ते में एक दो दिन जाती हूँ वहाँ पे, फ्रीलांसिंग करती हूँ उनको अपनी कंटेंट क्रिएशन. एक्चुअली कंटेंट सोशल मीडिया मैनेजर हूँ मैं वहाँ पे, तो वो भी मेरा ही नीश का जॉब है. तो मुझे मजा आता है वहाँ पे बहुत ज्यादा. तो वहाँ से भी वो इनकम, मतलब आ रहे हैं पैसे हर जगह से, लक्ष्मी बरस रही है. सब जगह से मेहनत करो, सोखी फर्म बन गया अभी. जी बिल्कुल. अगला मेरा सवाल है कि जो इंडस्ट्री में आपके को इन्फ्लुएंसर्स हैं, को जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनके साथ कैसा आपका बॉन्ड है, और मतलब किस तरह इंडस्ट्री देखती है एक न्यू कमर को जब कोई आता है, कैसा उनका बिहेवियर रहता है? मीटअप्स होते रहते हैं, गैदरिंग्स होती रहती, तो जो बड़ा कंटेंट क्रिएटर है वो मतलब सब वैसा सेम उसको एंगल से देखता है सामने वाले को, या कुछ डिफरेंट रहता है? तो एक्चुअली ना लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, कि कौन आपको कितना अच्छे से ट्रीट कर रहा है. मैं ऐसे लोगों का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करते, जो आपको जानबूझ के नीचा दिखाते हैं कि भाई तेरे कम फॉलोअर्स हैं तो तू ऐसे रहा. इवन आज भी मुझे वो चीज़ फेस करने को मिलती है, जिनके मिलियन मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो आज भी तुम्हें ऐसा ट्रीट करते हैं. तो ये चीज़ तो है इंडस्ट्री में, बट बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिनको मैं जानती हूँ. अच्छा. एक का तो मैं नाम ले देती हूँ, आरजे कृष्णा, ही इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कॉन्टेंट क्रिएटर. और उनसे मैं एक बार मिली हूँ और उन्होंने इतना अच्छे से ट्रीट किया था, और इवन तो वो मुझे नहीं भी जानते थे उस टाइम पे, सोशल मीटअप काइंड ऑफ था, बट उन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट किया था और एकदम होमली वाइब्स दे दी थी. तो अभी होता है ऐसा, और न्यू कमर्स को लोग करते हैं खराब ट्रीट भी करते हैं, अच्छा ट्रीट भी करते हैं. और मेरा बॉन्ड, मेरे को ऐसा लगता है इस इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा आप सोशलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. तो मैं तो कोई मीटअप पे जाती हूँ, मैं तो सबके साथ घुल मिल जाती हूँ कि सब दोस्त बन जाओ. अच्छा. सबसे मिलजुल लो, बात कर लो. लेकिन जो लोग नहीं होता इंडस्ट्री में बात करने में, फिर उसको वहीं पॉज कर देते हैं और आगे नए दोस्त बनाते हैं, नए दोस्तों के साथ घुलने मिलने लग जाते हैं. बिल्कुल. आखिरी दो सवाल आपको करूंगा, फिर हम खत्म करेंगे. फिर एक और अलग वो है, वो हम अलग जगह पे करेंगे, डिफरेंट वो रैपिड फायर सेक्शन है. ठीक है. तो अगला मेरे लास्ट दो सवाल है. अगला सवाल ये है कि जो आपके को इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उसमें जब आप उसके साथ कोलैब करते हो तो वो पैसे लेते हैं आपके जो फेलो जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, या फिर बार्टर होता है, क्या क्या रहता है वो? तो फेलो इन्फ्लुएंसर्स के साथ तो कोलैबोरेशन में ऐसा कोई पैसे इन्वॉल्वमेंट नहीं होते. आप उनके साथ रील बना रहे हो, वो आपके साथ रील बनाते हैं, कोलैबोरेशन में डल जाते हैं. आप की रील्स उनकी ऑडियंस देखती है, उनकी रील आपके ऑडियंस देखते हैं, तो ऑडियंस मिक्स एंड मैच हो जाता है. ये सवाल थे कुछ लोगों के, शायद पैसे होते हैं या कुछ? नहीं 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 नहीं, बस हम एज अ फ्रेंड्स मिलते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के प्रोफाइल पे डालते हैं, और वहीं पे सिलसिला खत्म हो जाता है, कोई पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. बिल्कुल. अभी रियलिटी शोज का काफी जमाना चल रहा है, और हाल फिलहाल में स्प्रिट्स विला के भी 5-6 एपिसोड आ चुके हैं, और इस बार सनी और तनुज होस्ट कर रहे हैं. तो आप स्प्लिट्स विला में जाना चाहती हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं आप कहीं? मैं तो जाना चाहती हूँ, वो लोग बुला लें तो बहुत बड़ी बात है. लेकिन एक्चुअली मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर स्प्लिट्स विला का ऑडिशन दिया था, और मैं लास्ट राउंड में आउट हो गई थी.
पता नहीं क्यों, लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था और मैं इतनी फेमस वगैरह भी नहीं थी और मैं बहुत न्यू थी इन सब चीज़ों के लिए. बट मैंने इंटरव्यू दिया और इस साल मैं इंटरव्यू देने में लेट हो गई क्योंकि मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी और मैं नहीं दे पाई थी. और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी फोर्स किया था, तो इंटरव्यू दे 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 दे, और जब मैंने दिया एक्चुअली तो लास्ट डेट निकल चुकी थी और शूटिंग स्टार्ट हो गई थी. बट होपफुली नेक्स्ट ईयर. बिग बॉस OTT भी 15 मई से स्ट्रीम होने वाला है, उसको लेके उसमें आना चाहेंगे? आना तो मैं सब में चाहती हूँ. अच्छा, मतलब ओपन है आपको एक कोई किसी में. तो थैंक यू सो मच मेगा, आपसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं जो बनाना चाहते हैं, अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी स्टेप्स जो हैं आपने दी और कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हो आप, जो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन उसमें लोग जो देख सकते हैं आपको. तो थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए. ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए. तो गाइज, हमारे साथ थी मेघा सुखेजा और आप इनको कॉन्टेंट इनको फॉलो कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर इनके प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐसे अच्छे अच्छे हम आपके लिए इंटरव्यूज लाते रहेंगे. आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स को फॉलो करना है, हमारे जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है. इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, कैमरामैन विजय के साथ अंकित चंदेल, दिल्ली.